अब भगवान श्री कृष्ण थोड़ा और जब बड़े हुए तो अब घुटनों के बल चलने लगे। जैसे बालक घुटनों के बल चलता है पहले, फिर खड़ा होता है, गिरता है, ऐसे कन्हैया जब थोड़ा और बड़े हुए, मैया ने कहा भले इसका नाम कृष्ण है बलराम है, हम तो कन्हुआ कहेंगे। भगवान को माता हमेशा कन्हुआ ही कहा करती थी। तो मैया कान्हा कान्हा कहते हुए दाऊ और कान्हा यही सी नाम से मैया दोनों पुकारती थी। और बस इन्हीं की लीलाओं में अब मग्न होने लगी। भगवान कभी धूल में चले जाते हैं तो खेलते हैं, कभी कीचड़ में चले जाते हैं, कभी कोई अजनबी आता है तो उसके पीछे पीछे चले जाते हैं, कभी कुछ जो है कछु गायों को देखते हैं तो उनके पीछे चले जाते हैं। ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं प्रभु करते हैं। माखन रोटी कभी कभी हाथ में ले लेते हैं, फिर चारों तरफ आंगन में घूमते हैं, फिर धूल में खेलने लगते हैं। और उसी बीच उनके भक्त काकभूषण जी भी आकर के प्रभु की सुंदर लीला का दर्शन करते हैं। और भगवान को जब माखन रोटी खाते हुए काकभूषण जी देखते हैं तो क्या करते हैं, काकभूषण जी ये नहीं कहते कि जब कन्हैया माखन रोटी देंगे तब हम खाएंगे, नहीं, कन्हैया के हाथ में माखन रोटी दिखी और कन्हैया बढ़िया खेल रहे हैं और काकभूषण जी उनके हाथ से माखन रोटी छीन करके भाग जाते हैं। रसखान कवि कहते हैं धूर भर अति शोभित श्याम जूते सी बनी सीरी सुंदर छोटी, धूर भर अति शोभित श्याम जूते सी बनी सीरी सुंदर छोटी, खेलत खात फिर अंगना पग पैजनी बाजत पीरी का छोटी, खेलत खात सो ले गयो माखन रोटी। ध्यान रखिएगा, काकभूषण जी रावण अवतार में थे और कृष्ण अवतार में, दोनों में इन्होंने भगवान की बाल लीला का दर्शन किया, क्योंकि इनकी इष्ट जो है बाल रूप भगवान है, ये हमेशा बाल रूप की झांकी का ही दर्शन करते हैं, उसी का ध्यान करते हैं। तो कृष्ण अवतार में भी प्रकट होकर भगवान की बाल लीलाओं का दर्शन करते हैं, राम अवतार में भी इनका प्रकट तो पहले हो चुका है, लेकिन अंतर है श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है और श्री कृष्ण जी लीला पुरुषोत्तम है। राम जी हर काम मर्यादा में करते हैं, कोई भी ऐसा काम आपको राम जी का नहीं देखेगा जो कि मर्यादित ना दिखाई पड़ा हो। हर काम में, बोलने में, बैठने में, उठने में, हंसने में, बात करने में, हर काम में मर्यादा परलक्षित होती है। राम जी जब कभी हंसते हैं ना, और बड़े जन बैठे होते हैं तो राम जी ऐसे सामने ऐसे सिर करके नहीं हंसते हैं, हमेशा सिर झुका करके हंसते हैं, हमेशा सिर झुका कर, जब बड़े लोग रहते हैं, और जब मित्र जन बैठते हैं तब राम जी खुल करके हंसते हैं। कई जगह प्रमाण आपको मानस में मिलेगा, केवट के सामने राम जी कितना हंसे, इतना पहली बार हंसे थे, सुन केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे बेहसे करुणा एन चितई जान की लखन तन, बेहसे शब्द जो है ये मानस में आप देखें पहली बार यहाँ आया है, इसके पहले राम जी मन ही मन हंसे हैं, कभी मन ही मन हंसे, कभी मुस्कुराए हैं, कभी मधुर हंसे हैं, ऐसे हंसे। तो श्री राम जी की जो लीला है पूरी मर्यादा युक्त लीला है, और श्री कृष्ण की जो लीला है तो लीला पुरुषोत्तम है। श्री राम जी जो लीला करते हैं वह मानव का सत्य है, उनकी प्रत्येक लीला मानव का सत्य है, लेकिन कृष्ण की जो लीला है उसमें ईश्वर का सत्य है, मानव का नहीं ईश्वर का सत्य है। कहेंगे कैसे, तो आगे देखिए
भगवान श्री कृष्ण गोपियों के यहाँ माखन चुरा करके खाते हैं, करते हैं ना चोरी, गोपियों के घर में घुस जाते हैं, माखन चुराते हैं और माखन चुरा करके खा लेते हैं और खुद नहीं, स्वयं नहीं खाते कि बस अपने बस है, नहीं नहीं, उनकी मित्र मंडली भी है, छोटे छोटे बालक, उनसे कहते तुम भी चलो, वो भी चले, उनको खिलाए। और फिर इतना ही नहीं, फिर जो माखन बचता है, दही बचता है ना, वो सब बंदरों में फिर बांटने लगते हैं, तुम भी खाओ। और इसके बाद इतना भी, इतने पर भी नहीं रुकते हैं, अच्छा ठीक है माखन इत्यादि खा लिए, खिला दिए बंदरों, खिला दिए अब तो ठीक है, ले कोई बात नहीं, इतने पर भी कन्हैया नहीं रुकते। फिर जो जिस मटकी में माखन रखा था, वह मटकी जब खाली हो जाती तो उसे फोड़ भी देते। एक दिन मैया के सामने गोकुल की गोपियां सब शिकायत करने आई, अरे मैया तेरे लाला की करतूत तो बड़ी गजब है, बैठा तो वैसा है जैसे साधु हो, भोले भाले बन करके सामने बैठे हैं, गोपियां सब बड़ी संख्या में खड़ी हैं, मैया से सब शिकायत कर रही हैं, तेरा लाला हमारे घर में घुसता है और घुस करके बहुत जो है नाटक करता है, हमारे बच्चों को रुला देता है, उन्हें संभालने जाते हैं तो हमारे गाय के बछड़ों को खोल देता है, बछड़े बांधने के लिए दौड़ते हैं तो घर में घुस करके मटकी फोड़ता है। कितना भी हम कहीं माखन अपना छुपा करके रख देते हैं, लेकिन तेरे लाला की आंखों से माखन बचता नहीं है, अंधेरे में भी रख देते तो भी ये खोज लेता है। जानती हो मैया क्यों कैसे खोज लेता है? अरे आपने इनके हाथों में जो एक कंगन पहना है, इसमें हीरा लगा है, मोती लगा है, इतने कीमती नग लगे हैं, उसके प्रकाश से ये जाकर के अंधेरे में भी जाकर माखन दूध दही सब खोज करके ले आता है। ये तेरा लाला करता है मैया। इसकी बड़ी विचित्र विचित्र बातें हैं, क्या क्या हम तुम्हें सुनाएं। और जब कभी पकड़ में आ जाता है तो क्या कहता है पता है? बड़ा भोला भाला बन जाता है तेरा लाला और कहता रही गोपी मुझे क्या पता था कि तेरा घर है, मैं तो अपना घर समझ करके आ गया था, इतना भोला बन जाता है, इसे इतना भी पता नहीं कि ये मेरा घर है कि किसका घर है, इतना दीनहीन बनकर खड़ा हो जाता है कि डांटे ना मुझे, अरे इसको इतना पता नहीं कि तेरा घर वो है, मेरा घर ये है, मेरे घर को कहता है मैं तो अपना घर समझ कर किया गया। तो ध्यान रखिएगा, भगवान श्री कृष्ण सही कह रहे हैं, लेकिन गोपी को लगता नहीं नहीं घर तो मेरा है तुम्हारा नहीं है, लेकिन भगवान सत्य कहते हैं कि ये घर मेरा है। कैसे कि संसार किसका है, ये हम आप कहे क्या, हम आप जब आए थे तो लेकर के कुछ आए थे, एक आध दो मकान लेकर के आए, घर लेकर के आए थे, नहीं आए थे, खाली हाथ आए थे। इस सृष्टि किसने बनाई है, जिस सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, पर ब्रह्म परमात्मा ने ही सारी सृष्टि का निर्माण किया है, ये सारा संसार उसी का है, सारे घर उसी के हैं। तो भगवान कहते हैं मैं तो अपना समझ करके आया था, मुझे क्या पता था कि तेरा घर है, लेकिन हम आपकी इतनी छोटी बुद्धि है कि हम इस माया के कारण जो संसार का जो हम आपको वैभव दिखाई पड़ता है इसे अपना समझ रहे हैं कि हमारा है, जबकि है सब परमात्मा का। ऐसे भगवान श्री कृष्ण गोपियों के यहाँ चोरी करते हैं, माखन चुराते हैं, और जब माखन ऊपर सीके में चढ़ा देती हैं, तो ये बालक क्या करते हैं, इनके मित्र जो मंडली है एक दूसरे के ऊपर से चढ़ करके और फिर सबसे ऊपर कृष्ण जी चढ़ जाते हैं और फिर उसे उतार करके ले आते हैं। और कभी अगर संख्या कम है मित्रों के, दो चार ही लोग हैं, तो इतना ऊंचे कैसे पकड़े, तो डंडा लेकर के सीधे से मार देते हैं तो फूट जाता है और फिर माखन खाने लगते हैं, दही खाने लगते हैं। मैया कहती है लाला तेरे घर में कुछ कमी है क्या जो दूसरे घर में जाता है? कन्हैया कहते रे मैया सब झूठ बोल रही हैं, ये खुद मुझे बुलाती हैं और मेरे से काम करवाती हैं और फिर कहती हैं लाला थोड़ा नाच दे तो नचवाती भी हैं, अपना काम भी करवाती हैं।
मैं नहीं खाता हूँ कुछ भी इनके घर में, तो जबरदस्ती मुझे खिला देती हैं और फिर ये मेरे मुंह में भी लपेट देती है। ये स्वयं करती है और नाम मेरा लगा रही है। मैया मैं कुछ भी नहीं करता, ये सब झूठे हैं। तुम्हारी ये जितनी देवियां दिखाई पड़ रही हैं सब झूठी हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ऐसे भगवान जो है बड़ी सुंदर लीला करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये गोपियां जो हैं भगवान को देखने के बहाने से शिकायत लेकर आती हैं। जितनी बार शिकायत करने जाएंगे उतनी बार लाला का दर्शन होगा।